वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? जी सर। अच्छा, ये थोड़ा सा अंडे के बारे में कोई रेट वगैरह में बताइए, क्या क्या हिसाब है, कौन कौन से अंडे आपके पास हैं? सर हमारे पास जम्बो है, इसका रेट है 300 रुपये। दूसरा इसके साथ छोटा अंडा है, ये 280 रुपये। 280 रुपये का? जी सर। ठीक है, एक पीस कितने का पड़ रहा है वैसे? ये 22 रुपये का पड़ता है सर। 22 रुपये का। बाहर कितने का चल रहा है? जी सर भाई 25 रुपये का। बाहर 25 रुपये का? जी सर। ठीक है, ये जम्बो सर 300 रुपये। पर पीस कितने? 60 ग्राम है। 60 ग्राम है। एक पीस कितने का पड़ रहा है? 60 रुपये। 25 रुपये का। 25 का पड़ रहा है। ठीक है, होल सेल में 25 का पड़ रहा है। अच्छा, और कौन कौन सा अंडे? बस सर यही है हमारे पास, जम्बो होता है, ये छोटा अंडा दो होते हैं। ये सब अलग अलग क्वालिटी है? जी सर अलग। ये एक ही है, ये एक लाद है, ये सब एक ही है? एक ही है सर। ठीक है जी सर। और कौन से? सर ये सब जम्बो लगा हुआ है जितना भी। ठीक है जी सर। नाम मोबाइल नंबर बताइएगा। जी मोहम्मद अजहर, 00345-5643-255। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी सर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये सारी मार्केट है, देखें एक बहुत बड़ी सुपर मार्केट है। देसी अंडे बहुत सी हैं? देसी एक नंबर है। एक नंबर देसी है? क्या हिसाब है? 580। एक अंडा कितने का पड़ रहा है? एक अंडा पड़ गया तकरीबन 45 का। और बाहर कितने का पड़ रहा है? बाहर होगा, लोकल होता है वो 450। एक अंडा बाहर कितने का पड़ा है? देसी एक अंडा वो लोकल देसी नहीं होते वो? देसी। तो यहाँ पे प्योर एक नंबर है मार्केट में? इस पूरी मार्केट में सब एक से ही चीज। अंडे क्या हिसाब दे रहे हैं? ये 300 रुपये। ये 580 का दर्जन हो गया, ये 300 का दर्जन हो गया। वो पेटी जो होती है आपके पास वो कितनी की होती है, कितने दर्जन पे होती है? 2150। यानी कि 2200 रुपये की पेटी है। 9000। उसमें कितने अंडे होते हैं? 30 दर्जन। 30 दर्जन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। वो संडे क्या हिसाब दिए सर? 310 रुपये का। 310 का। देसी अंडा कितने का दे रहे हैं? देसी अंडा 500 रुपये का। 500 का दर्जन है। दिखाएंगे एक देसी अंडा, दिखाएगा। तो बाहर जो मिलते हैं वो उनमें क्या लगता है, वो सही होते हैं या नहीं सही होते हैं? ये पर पीस कितने का दे रहे हैं? पर पीस कितने का एक अंडा? 40 का। 40 से ऊपर पड़ता है, 40 का। 41 का दे रहे हैं समझ लें आप। डबल सर्दी वाले हैं? डबल नहीं है।